उत्तराखंड के पौड़ी जिले से बेहद दुखद खबर सामने आई। यहां पर एक 10 साल की बच्ची के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल ये पूरा मामला है ग्राम पंचायत हथनूट के पल्ला गांव का, जहां पर इस आवारा सांड ने 10 साल की बच्ची को कुचल डाला। मृतका की पहचान आयना बानो के रूप में हुई है। आयना बानो 5वीं कक्षा में प्राथमिक विद्यालय हथनूट में पढ़ती थी। जी हाँ, गांव के प्रधान रोशन सिंह का कहना है कि बच्ची स्कूल जा रही थी, रास्ते में एक सांड को कुछ कुत्ते दौड़ा रहे थे। आवारा सांड बच्ची आईना को कुचलता हुआ चला गया। सांड के पैर बच्चे के सीने और गले पर पड़े। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोटद्वार की उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार का कहना है कि उनके संज्ञान में ये घटना आई। बच्ची के परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि बच्ची को परिजनों ने दफन कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1.5 वर्ष पहले मृतक आयना बानो के पिता की भी गांव के निकट बकरी चराते समय एक पहाड़ी से नीचे गिरने से मौत हुई थी। उसके परिवार में अब उसकी माँ और एक बहन है। द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने बताया वो पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। वहीं ग्राम प्रधान का ये भी कहना है कि यह हादसा तब हुआ जब बच्ची अपने घर से पीएम मोदी के मन की बात सुनने के लिए स्कूल जा रही थी। इस बीच ही रास्ते में आवारा सांड ने उसे कुचल कर मार डाला। फिलहाल बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।